हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे बेसिकली जावा में फोर्थ टाइप के जो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं उनके बारे में। जो हमारे पास फोर्थ टाइप है गाइस, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं और रिटर्न टाइप भी यूज़ करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ अवर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू टॉपिक। इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी परफॉर्म ओनली कैलकुलेशंस इन द फंक्शन डेफिनेशन और बॉडी। इस तरह के फंक्शंस में हम केवल कैलकुलेशन का जो काम है वो फंक्शन की डेफिनेशन में करते हैं। द वैल्यूज ऑन विच फंक्शन ऑपरेट आर पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। वो वैल्यूज जिन पे फंक्शन काम कर रहा है उन्हें केवल एज ए आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करते हैं जब फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम पर ही। द रिजल्ट इज रिटर्न यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। और जो रिजल्टेंट वैल्यू फंक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है उसको हम रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से फंक्शन के डेफिनेशन से वापस भेज देते हैं फंक्शन की कॉल पर। अब जो डेफिनेशन का सिंटैक्स है, दैट इज सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप आएगा, देन फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स को उनके डेटा टाइप के साथ हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को बनाते समय। देन हमारा जो भी कोड है वो हम लिखेंगे। लास्ट में जो रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसको हम रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से वापस फंक्शन से बाहर भेज देंगे। कॉल यूजुअली जब हम करेंगे तो फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड हमें भेजने होंगे यहाँ से, वो इस वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएंगे। देन हम इस वेरिएबल को कैलकुलेशन में या प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर फंक्शन के रिजल्ट को प्रिंट कराना है आपको, तो आप जो हमारे आउटपुट फंक्शन है जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट एफ प्रिंट वगैरह, उनके अंदर भी डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इससे। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन विच टेक्स टू नंबर एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न सम ऑफ टू नंबर्स। सो हम एक फंक्शन बनाना है जो दोनों नंबर को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है और उनका सम हमें रिटर्न करके दे रहा है। आइए सबलाइम टेक्स्ट में इसका कोड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ YT फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल बनाई, इस फाइल को हमने सेव कर दिया सम फन 4.java नाम से। नाउ सबसे पहले हमने इंपोर्ट कराया स्कैनर को, फाइन गाइस। तो हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद हमने एक क्लास बना दी हमारी जिसको नाम दे दिया हमने सम फन 4। इसमें हम लोगों ने बनाया मेन फंक्शन। सो दिस इज़ आवर मेन फंक्शन। यहाँ हम क्या करते हैं, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। सो व्हाट आई डू इज, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने और इसके बीच में हम लोग वैल्यूज़ इनपुट ले लेते हैं। लाइक हमने ये बनाया जिसमें kb डॉट नेक्स्ट इंट से वैल्यू इनपुट ले ली। मैं चाहता हूँ इनपुट से पहले एक मैसेज भी आए। सो व्हाट आई डू, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ किया, एंटर फर्स्ट नंबर का एक मैसेज डाल दिया मैंने। इसी तरह से सेम इसी चीज़ को मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड यहाँ कर दिया एंटर सेकेंड नंबर। फाइन गाइज, और यहाँ मैंने कर दिया बी। नाउ मैंने एक सी वेरिएबल लिया और हमने सम फंक्शन कॉल कर दिया सम टू नाम से, बनाया नहीं है इसको भी बना देंगे। इसमें हमने ए बी को एज ए पैरामीटर भेज दिया। ये ए बी क्या हो गए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गए हमारे। फंक्शन को कॉल करते टाइम जो भेजते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट रहते हैं ना, और जो हमारे पास सी में रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करा दिया हमने सम ऑफ ए प्लस ए एंड बी इज दैट इज सी डाल दिया लास्ट में। नाउ हमने एक फंक्शन बना दिया स्टैटिक इंट सम टू। यहाँ हमने दो आर्ग्यूमेंट रख दिए एक्स वाई, मतलब नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई ये भी कुछ भी नाम दे सकते हो इनको, पहले भी मैंने डिस्कस किया ये। इंट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया हमने और रिटर्न कर दिया यहाँ से किसको, सम वेरिएबल की वैल्यू को। फाइन गाइस, सो मैं एक बार ड्राई रन बता देता हूँ। जब एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइल करके, सबसे पहले मेन फंक्शन में आएगा कंट्रोल, यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा,
देन हमारे सामने मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर के बी डॉट नेक्स्ट इन से हम वैल्यू देंगे. देन दोबारा से मैसेज आएगा sprintln के कारण एंटर सेकेंड नंबर, देन बी में हम वैल्यू इनपुट देंगे. फिर सम कॉल होगा, ए बी एज ए पैरामीटर जाएगा कहाँ पे, सम टू की डेफिनेशन पे. तो यहाँ पे एक्स में आ जाएगा ए का मान, वाई में आ जाएगा बी का मान. अब यहाँ पे जो एक्स वाई हैं ये अपने क्या कहलाएंगे बच्चों, ये हमारे कहलाएंगे फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं हम, है ना. देन फंक्शन के डेफिनेशन में आया एक्स वाई का सम, सम वेरिएबल में स्टोर हुआ, सम की वैल्यू रिटर्न हुई या करके स्टोर हुई सी वेरिएबल में. देन यहाँ पे प्रिंट हो गया सम ऑफ ए एंड बी इज सी, मतलब ए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू. लास्ट में हमने स्कैनर के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया है. लेट्स कंपाइल एंड रन दिस. सो कंपाइल करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, पहले ओपन कंटेनिंग फोल्डर चूज किया, ये हमारा विंडोज का फाइल एक्सप्लोर खुला. इसके एड्रेस बार में यहाँ पे टाइप किया हमने cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, जावा सी सम फन फोर डॉट जावा, कंपाइल कर लेते हैं. और इसके बाद जावा सम फन फोर, इससे हमने इसको रन कर लिया. फाइन गाइस, सो दिस इज आवर रिजल्ट. अच्छा, जो ये फंक्शन की कॉल हम देख रहे थे, मैंने अभी बताया था आपको, डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे सी में वैल्यू स्टोर करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं सी की जगह. तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया इसको, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ. नाउ लेट्स सी. अच्छा, मैंने पहले भी बताया कंपाइल रन एक साथ करना है, तो सीधा जावा कमांड एंड जो हमारा सोर्स फाइल नेम है वो, दिस इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, वर्किंग फाइन. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट भी अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसको प्रिंट या प्रिंट एलएन या प्रिंट एफ में कॉल कर सकते हो. तो दोस्तों, ये था हमारे पास चौथा टाइप फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट भी लिए हैं, रिटर्न वैल्यू भी ली है. प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा काम में आने वाले टाइप है ये हमारे लिए. सो गाइज, अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको डाउट रह जाता है, देन बेझिझक आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा. गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ साथ ही साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से अच्छे से सीख सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अलॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय.